हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने कंप्यूटर को फास्ट कैसे बनाएं, आपके कंप्यूटर का स्पीड कैसे बढ़ाएं और क्या क्या प्रोसेस है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके कंप्यूटर को फास्ट कैसे करें। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन और आर बटन को आपको प्रेस करना है। स्टार्ट बटन प्रेस करिए और फिर आर बटन को प्रेस करिए, तो आपके सामने एक ऐसा विंडो आएगा। ठीक है, वो विंडो में आपको टाइप करना है %TEMP% और इंटर कर। आप ये देख सकते हैं, ये टेम्प फाइल्स हैं, टेम्परेरी फाइल्स हैं। तो ये फाइल्स को आप डिलीट करेंगे तो थोड़ा तो आपके सिस्टम का स्पीड बढ़ जाएगा। ये वो फाइल्स होता है जो आपके रैंडम मेमोरी में ये स्टोर हो जाता है। ये कंटिन्यूसली आपका जो मेमोरी है उसका स्पीड इंक्रीज करता है, मीन्स डिक्रीज करता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो मेमोरी है ये सब चीज़ों पे बिजी हो जाता है। बिजी होने की वजह से आपका जो एक्सेस स्पीड है वो स्लो हो जाता है। तो इसे आप ऑल डिलीट कर सकते हैं, Ctrl+A। तो इसे आप ऑल डिलीट कर दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे इतने सारे फाइल्स डिलीट हो गए। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, क्लीन डिस्क, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, डिस्क आपको सिलेक्ट करने हैं तो CDEFG। ठीक है, इतने सारे डिस्क हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा सी ड्राइव में। ओके, तो आपको क्या करना है, सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिस्क क्लीनर इज कैलकुलेटिंग हाउ मच स्पेस यू विल बी एबल टू फ्री ऑन सी। दिस मे टेक अ फ्यू मिनट्स टू कम्प्लीट। ओके, तो ये क्या होगा, ये जो है आपके जो भी डंप फाइल्स या फिर जो भी अनवांटेड फाइल्स है वो यहाँ से वो रिमूव करेगा और आपका जो सी ड्राइव का स्पेस है वो इंक्रीज करके आपको स्पीड देगा। ठीक है, तो आप, मैं इसे क्लीन होने देता हूँ। ये होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो इसे होने दीजिए, तक मैं आपको दूसरा प्रोसेस भी बता दूँ। तो इससे क्या होगा, आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्टेड होता है या फिर हम कई बार कहीं से पेन ड्राइव कनेक्ट करके कोई डेटा यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो इसके बीच क्या होता है, कोई कोई वायरस हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है और वायरस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका सिस्टम स्लो चलता है। ओके, तो आपको क्या करना है, विंडोज 10 में एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप वायरस को रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली आप सब इसे जानते होंगे, बट मैं आपको फिर भी उसे दिखा देता हूँ कि आपको इसे क्या करना है, और बहुत ही अच्छा फीचर है वो। तो ये देखिए, डिफेंडर, विंडोज डिफेंडर। ठीक है, आपको विंडोज डिफेंडर ऑन कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल स्कैन, कस्टम स्कैन एंड क्विक स्कैन। तो आपको क्विक स्कैन कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमने सी क्लीनअप जो ऑन किया था, डिस्क क्लीनअप, वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसे आप ऑल सिलेक्ट कर लीजिए और इसे आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी फाइल्स, आपकी जो अनवांटेड फाइल्स है वो यहाँ से वो डिलीट कर देगा और आपको काफ़ी अच्छा स्पीड मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन, क्विक स्कैन। तो आपको यहाँ पे क्विक स्कैन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्कैन चालू हो जाएगा। तो आपके सिस्टम में अगर कोई वायरस है या फिर कोई ऐसे चीज़ है जो आपके सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है, आपके सिस्टम को एक्सेस कम होने के प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, तो वो ये चीज़ यहाँ से वो रिमूव कर देगा।
ये देखिए, ये हार्डली आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है, आपका सिस्टम कितना स्पीड है, आपका सिस्टम कितना फास्ट है, वो हिसाब से ये यहाँ पे स्केल करता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी स्कैन रिजल्ट शो दैट मॉलिक्यूलर ऑफ अनवांटेड सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम यू कैन रिव्यू डिटेक्टेड आइटम व्हेन द स्कैन हैज कंप्लीटेड। ओके, स्कैन होने के बाद जो प्रॉब्लम्स या फिर जो वायरस आपके सिस्टम में होगा यहाँ पे आपको शो करेगा, उसको आपको रिमूव कर देना। ठीक है, ये मैं आपको थर्ड ऑप्शन बता रहा हूँ। फर्स्ट मैंने जो बताया आपको टेम फाइल क्लिक करना है, सेकंड जो है आपको डिस्क क्लीनअप रन करना है और सी ड्राइव को सिलेक्ट करके उसको आपको रन करना है, और बाकी के जितने भी ऑप्शंस आएंगे उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है। ठीक है, ये आपका जो हो गया ये स्कैन हो गया। तो यहाँ से जो भी आपके सिस्टम में वायरस या फिर जो भी अनवांटेड फाइल्स या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ से वो स्कैन करेगा और आपका वो प्रॉब्लम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। ठीक है, तो इसे हम स्कैन हो देते हैं और तब तक हम आगे का एक प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको सिस्टम प्रोडक्शन एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा एक ऑप्शन विजुअल इफेक्ट्स प्रोसेस शेड्यूलिंग मेमोरी यूज एंड वर्चुअल मेमोरी। तो ये सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये देखिए पासिंग फाइल इज एरिया ऑन द हार्ड डिस्क दैट विंडोज यूज एज इफ इट वेयर रैम टोटल पेंगिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइवर्स। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑटोमेटिकली मैनेज, तो ये ऑप्शन को आपको निकाल देना है और यहाँ पे कस्टम साइज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सिस्टम के हिसाब से आपका जो अभी जैसे आपके सिस्टम में 1 GB है तो आप यहाँ पे 2048 करके से आप सेव कर सकते हैं 2048। ठीक है, और मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे आप डाल दीजिए 4088। ठीक है, तो इजली आप यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। और हम यहाँ पे देख लेते हैं स्कैन कंप्लीटेड ऑन सो इन सो फाइल्स दिस ऐप डिटेक्टेड 2 पोटेंशियल थ्रेट्स ऑन योर पीसी। तो क्लीन पीसी पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो आपके जो दो देखिए यहाँ पे ये दो फाइल मुझे मिल गए हैं, ये देख रहे हैं आप, तो ये दो फाइल आप इसको इजीली यहाँ से रिमूव कर दीजिए तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। मैंने ये साइज़ दे दिया यहाँ पे ऐसे कर दिया और ये आपको यहाँ पे क्या करना है सेट कर देना है। ठीक है, सेट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, अभी जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगा जो बोलेगा आपके पीसी को रीस्टार्ट करेंगे तो आपने जो चेंजेस किए हैं वो आपको यहाँ पे मिलना चालू हो जाएंगे और आपका विंडोज़ डेफिनेटली थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो Thanks for watching and subscribe my channel, like my video. Thanks.